मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बैंक घोटालों में नाम आने के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा अब इन पर कसता जा रहा है, जिसके खिलाफ एनसीपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता जगह जगह सरकार और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंब्रा के अमृत नगर दरगाह गली के सामने एनसीपी के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान ने सरकार और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पुतले जलाने की अफवाह भी फैली, जिसके बाद पुलिस और सतर्क हो गई। इस विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ आने वाले चुनाव के वजह से सरकार बदले की भावना से काम ले रही है। इस तरह के इस विरोध प्रदर्शन में जमकर नारे लगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर मुंब्रा पुलिस स्टेशन ले गई। देखिए किस तरह से एनसीपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। ऐसा है कि सभी जानते हैं कि जिस बैंक से माननीय शरद पवार साहब का संबंध ही नहीं, ना ही वो डायरेक्टर रहे, ना ही कभी उस बैंक में गए, उस बैंक के ऊपर उस बैंक का हवाला लेके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना और ईडी की नोटिस भिजाना, ये सरकार का जो शंका है वो जाहिर करती है कि एंड चुनाव के वक्त वो ये जानती है कि ग्रामीण इलाके में माननीय शरद पवार साहब का कद बढ़ रहा है, इसीलिए वो डर के सरकार हमसे डरती है और ईडी को आगे करती है, हमारा यही कहना है। लेकिन ये साफ हम कह देते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है। अगर माननीय शरद पवार साहब के बाल को एक धक्का भी लगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे शहर में जेल भरो आंदोलन करेगा। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे संगठन के लोग, हमारे नगर सेवक नगर सेविकाएँ, मैं शानू पठान मिलकर के हम लोगों ने आज अमृत नगर सिग्नल पे आज हम लोगों ने वहाँ पे एक आंदोलन किया और ये बात हम आपके माध्यम से साफ कहना चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि जिस बैंक से उनका कोई संबंध नहीं था, जिस बैंक के अंदर उनका अकाउंट नहीं था, जिस बैंक से कोई उनका कोई भी संबंधित मामला नहीं था, उस बैंक से उनका नाम जोड़ करके कहीं ना कहीं आज ये मोदी सरकार हिटलर शाही सरकार साबित हो रही है। हर नाके पे हर गली के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का पुतला हर गली में जलेगा, ये बात साफ है। आज भी आप लोग जलाने वाले थे? आज भी हम लोग ने जलाए, मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने पुतला ताबे में ले लिया, देख लीजिए आप, और जो लाइटर से जलाने के लिए उनका वो कर रहे थे, हमने कोशिश की। आज पुलिस स्टेशन ला करके हम लोगों पे केस दर्ज किया गया है, मेरे पे और शानू पठान पे और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर 151 के ऊपर किया गया है, 9 लोगों पे केस दर्ज किया गया है। लेकिन इससे हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम एक बात साफ कहना चाहते हैं, अगर हमारे नेता के ऊपर ऐसी कोई भी और आंच आई, जिस तरीके से कल हम लोग हमारे नेता कल ईडी की ऑफिस में जा रहे हैं, कल हम लोग मुंब्रा को होता 30% लेकर के हम लोग कल मुंबई जा रहे हैं, और अगर उनके साथ कोई भी वहाँ पे नाइंसाफी हुई तो एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मुंब्रा शहर मुंब्रा कलवा विधानसभा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गलियों में बंद करने का ऐलान करेंगे हम लोग, और राष्ट्रवादी के हम लोग वहाँ जाकर के हमारे नेताओं के बताएंगे कि हम सब शरद चंद्र जी पवार बन के खड़े हुए हैं। मुंब्रा पुलिस ने शमीम खान, शानू पठान, जफर नुमानी, मोहम्मद शाकिर सहित 8 लोगों पर महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 69 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।